我不送了。तुमने देखा? नहीं, पर मैं जेकब के दिमाग को पढ़ सकता हूं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, प्यार हो गया उससे। पर तुमसे ज्यादा नहीं, जानता हूं। लड़ाई शुरू हो रही है। मैं उसके विचार सुन सकता हूं, तुम चुप रहो। उसे पता है हम वहां नहीं है, पर उसने मेरी गन सूंघ ली। वो जानती है तुम मेरे साथ ही होगी। उसने हमें ढूंढ लिया। वो अकेली नहीं है। रायली, मेरी बात सुनो। विक्टोरिया तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वो जानती है मैं तुम्हें मार दूंगा। दरअसल वो तो खुश है कि तुम उसके रास्ते से हट जाओगे। इसकी बात मत सुनना रायली, ये फिर से कोई नई चाल चल रहा है। मैं इसका दिमाग पढ़ सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। ये झूठ बोल रहा है। उसने तुम्हें और इस सेना को बनाया ताकि वो अपना सच्चा प्यार पा सके। जेम्स वही है उसका सच्चा प्रेमी, तुम नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूं, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। फिर से सोच लो, तुम मेरे शहर से हो, तुम चप्पा चप्पा जानते हो, इसीलिए इसने तुम्हें चुना। ये तुमसे प्यार नहीं करती रायली, ये हम में गलत फहमियां पैदा कर रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं।
तुम तो गए। तुम्हें बेला को मारने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तुम यही चाहती हो ना कि मैं वही दर्द महसूस करूं जो तुमने महसूस किया था जब मैंने जेम्स को मारा था, जब मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसे जलाकर मैंने राख कर दिया था, जब मैंने उसका अस्तित्व खत्म कर दिया था। बोल रहा है एलिस चाहती है कि हम लड़ने जाएं। अभी वो कितनी देर में आ रहे हैं? पहुंचने ही वाले हैं, शायद 10 मिनट में। भेड़ियो को जाना होगा, वोल्चरी भेड़ियों के साथ हुए समझौते को नहीं मानेंगे। लिया रुक जाओ।